The work done by magnetizing force against internal friction of magnetic material produces heat and produce होने वाला heat magnetic material के along dissipate होता है। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन के कोर से जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करती है तो वहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस अकर होता है एंड इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हाई परमिएबिलिटी वाले मटेरियल का यूज किया जाता है लाइक सिलिकॉन स्टील। तो इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज़ द रीजन ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस एंड व्हाट इज़ BH कर्व। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल Please subscribe the channel and press the bell icon for regular updates. सपोज यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल है। जब मैग्नेटिक मटेरियल से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं करता है तो मटेरियल का जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है उसका रैंडम पोजीशन होता है। इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिक मटेरियल का जो एटम्स रहता है वो अपने आप में एक डायपोल रहता है लाइक अ स्मॉल परमानेंट मैग्नेट जो कि मटेरियल के अंदर रैंडमली सिचुएटेड रहता है एंड जब इस मटेरियल को अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी करेंट मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल और रिवर्सल ऑफ करेंट जो कोर है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है एंड उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल्स और डायपोल्स का जो पोजीशन है वो बार बार चेंज होता है जिसके कारण मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरनल फ्रिक्शन होता है एंड ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है जो कि डिफरेंट एसी मशीन में एज अ लॉस कंसीडर किया जाता है बिकॉज जब एसी मशीन के कोर में हीट जनरेट होता है तो उसका वहाँ पे कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है एंड इसके कारण मशीन का इफ़िशियंसी डिक्रीज होता है। यहाँ पे एक और टर्म हम लोग देखेंगे दैट इज़ रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल जब कोर डीमैग्नेटाइज होता है तो कुछ मॉलिक्यूल्स अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आता है वो अभी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहता है जिसके कारण मटेरियल के डीमैग्नेटाइज होने के बाद भी उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता है एंड इट इज़ नोन एज रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज BH कर्व। BH कर्व इज अ ग्राफ व्हिच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड H स्टैंड्स फॉर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के साथ मैग्नेटाइजिंग फोर्स के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद मैग्नेटाइजिंग फोर्स का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाता है एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉजिटिव सैचुरेशन पॉइंट। एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स H को जब वापस डिक्रीज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B है उसका वैल्यू सेम मैनर में डिक्रीज नहीं होता है। यहाँ पर जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स H का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B का अपना कुछ वैल्यू है जबकि उसको भी 0 होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिटेंटिविटी और रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म बोला जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फोर्स से जो लैग करता है उसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस प्रोड्यूस होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो इस लॉस को एलिमिनेट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स H को निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स करते हैं। जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स H को निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तो इसको कोएर्सिव फोर्स बोला जाता है। नाउ H के वैल्यू के साथ यहाँ पे B का वैल्यू भी 0 हो चुका है। जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स H को निगेटिव डायरेक्शन में और इंक्रीज करते हैं एंड इसके सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाते हैं। सपोज दिस इज सैचुरेशन पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज निगेटिव सैचुरेशन पॉइंट। नाउ मैग्नेटाइजिंग फोर्स H को फिर से 0 करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B को भी सेम मैनर में 0 होना चाहिए बट इसका निगेटिव रीजन में भी कुछ वैल्यू होता है। एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए अगेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह कर्व कुछ इस तरह से बनता है। तो हम लोगों को BH कर्व से यह पता चलता है कि किसी मटेरियल में कितना हिस्टेरिसिस लॉस होगा। एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन लाइक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, उसका जो कोर होता है उसको बनाने के लिए उस टाइप के मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फोर्स से कम लैग करे। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।